नंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम
परमानंदे ओम अज्ञानत मिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाई तुलसीदेव्यै प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पादोतर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पादोतर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमन महाप्रभु कहते श्री शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी का है, उनको झोली से चावल निकाल निकाल कर खा रहे थे। इतने में शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी हाय हाय करने लगे, बोले प्रभु अब ये क्या कर रहे हो। बोले तुम्हें याद है। बोले किस बात की। बोले तुम मेरे जन्म जन्मांतर का दास हो, द्वापर युग में भी तुम मेरे घर में ये खुद ये चिड़वा लेकर गया था, वहां भी मैंने भोजन किया था, याद है कि नहीं तुम्हारी। महाप्रभु उनको सारे बात भी याद करवाया और महाप्रभु क्या बोले। इसलिए महाप्रभु कहते हैं निश्चय जानिए प्रेम भक्ति मोर प्राण। इसलिए तुम्हार भोजन है अमार भोजन, तुम्हें जो भिक्षा है चली ले अमार प्रजटन। जब तुम भोजन करते हो मैं भोजन करता हूँ, और जब तुम भिक्षा में जाते हो मैं भी है, तुम जो भ्रमण करते हो मैं स्वयं पर्यटन करता हूँ, तुम्हारी भ्रमण करने पर मेरा ही भ्रमण होता है। क्योंकि भक्तों का हृदय भगवान का निवास है, और जो भगवान है कभी भी भक्तों का दुख कष्ट को सहन नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, कहते कमला नाथर भृत्य घरे घरे मागे येरा सर मर्म जाने कोन महाभागे। यहाँ पर कह रहे हैं बोले कमला नाथर भृत्य घरे घरे मागे, कहते जो कमला नाथ का जो भृत्य है, कमला नाथ मतलब लक्ष्मी का जो है, लक्ष्मी की नाथ कौन है, भगवान नारायण है। कहते उनका जो भक्त है नारायण तो अथवा ईश्वर जी का मालिक है, और उनका भक्त बनेगा तो उनके पास में भी तो ज्यादा पैसा होगा, जो जिसको उपासना करेगा उसके पास में ज्यादा पैसा होगा। लेकिन ये कमला नाथ का जो भक्त है ये फिर घर घर में क्यों जाते हैं, कहते घर घर में फिर भिक्षा मांगने के लिए क्यों जाते हैं,
इसलिए यहाँ कहते हैं ए रस रे मर्म जाने को न महाभागी। यदि ये रस का जो मर्म है कोई भाग्यवान ही समझ सकते हैं, कमलानाथ का सेवक होकर घर घर में क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं, कहीं कहीं जाओ सोच, क्यों जाते हैं बोला हाँ हाँ और क्या है, और क्या किस लिए जाते हैं। इसलिए कहते एरा सर मर्म जाने को ना महाभागे, कहते इसका जो रहस्य है कोई महापुरुष ही समझ सकते हैं, हैं? इसलिए पहला कारण बताते हैं कि भगवान को पता है अगर मैं भक्तों को ज्यादा ऐश्वर्य दे दूं ना फिर क्या होगा, कहते जो हजम जो नहीं कर सकते हैं अगर उनके पास में ज्यादा पैसा आ जाए बोले विषय दूर कृष्ण जानिया निश्चय है। इसलिए बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत सी फिर मान मत पमान, जिसको उच्च कुल में जन्म हो गया ज्यादा पैसा हो गया, जन्म ऐश्वर्य श्रुत जिसको थोड़ा ज्यादा पांडित हो गया और देखने में थोड़ा जो सुंदर हो जाते, कहते बहुत कठिन है उनको भगवान की भक्ति करना क्योंकि उसमें अभिमान। हाँ इसलिए बोले प्रभुता पाई काम अदनाई, जगत में इसे कौन सा व्यक्ति है जो कि ये वस्तु पा करके उनके अंदर में घमंडता नहीं आ जाता है। इसलिए भगवान कभी कभी क्या करते हैं जान बुझ करके, हाँ भक्त चाहने पर भी भगवान कभी कभी नहीं देते हैं, क्यों, भगवान को पता है अभी इसका बीमारी है, पेट का रोग है, अगर बढ़िया बढ़िया रसमलाई लड्डी की चमचम अगर बढ़िया खाना खिलाए ना पेट खराब हो जाएगा, इसलिए क्या खिलाओ इनको पतला खिचड़ी बना कर खिलाओ तब पेट सही रहेगा। इसलिए कभी कभी भगवान क्या करते हैं जान बुझ करके अपना भक्तों को ये चीज नहीं देते हैं, जानते हैं भगवान ये विषय में फंस जाएगा, है विषय में ये फंस जाएगा। इसलिए कहते ये एक पहला कारण है कमलानाथ का भृत्य होकर घर घर में भिक्षा मांगते हैं, इसलिए भिक्षा मांगते हैं और क्या करते हैं। और दूसरा जो कारण है अगर भक्त लोग भिक्षा के लिए नहीं जाए फिर भक्तों के साथ में परिचित नहीं होगा, फिर दूसरे व्यक्ति को महाप्रभु बोले ना हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु का घर घर में जाओ, हर घर घर में जाओ और क्या भिक्षा मांगो, बोल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। इसलिए प्रभुपाद का समय में हैं क्या करते थे, जो भक्त लोग का गले में एक रस्सी डाल करके एक छोटा सा बक्स प्रभुपाद जी एक बक्स बना देते थे, बोले घर घर में जाओ है, उसका चाबी प्रभुपाद के पास में आता था, जो जो पैसा देगा वो बक्से में देता था और प्रभुपाद के पास में लाते थे और प्रभुपाद उसको खोल करके जो पैसा होता था उसको ठाकुर जी की गुरु वैष्णव की सेवा में लगाया करते थे। और घर घर में जाने पर क्या होता है, और एक बात क्या है, प्रचार होता है, घर घर में जाने पर प्रचार होता है, किसी गृहस्थ घर में जाओगे ऐसे नहीं भिक्षा लिया और भाग गए नहीं, इसलिए जा करके उनको पूछो घर में ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल है ना है, इसलिए पूछो, कोई भी संसार में कुशल मंगल नहीं होगा, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी होगा, फिर दुखी हो जब होगा फिर बोलेगा क्यों दुखी हो, संसार में क्यों दुख कष्ट भोग कर रहे हो, कारण है कृष्ण बोले सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार आदि दुख, जितने संसार में दुख है उसका कारण है कृष्ण को हम लोगों ने भूल गए, फिर सारे दुख का जल यही है बस, फिर हरि कथा सुना। इसलिए प्रभुपाद का समय में कैसे हरि कथा बोलते थे, कैसे लोगों को हरि कथा बोलते थे, बोलते थे आपका नाम क्या है, वो बोलता था मेरा नाम ये है, बोले आपका पत्नी का नाम, बोले ये, बोले बेटा का नाम ये, परिवार जब सारे परिचय दे देते ना बोले सब झूठ बोल रहे, बोले झूठ कहाँ बोले सच तो बोल रहा, झूठ कहा बोला मैंने सही, फिर गीता, फिर गीता की वंशासी जीर्णानी जथा ब्याह है नवानी गिरनानी नरम, फिर तो शुरू हो जाता हरी कथा। इसलिए आप जो परिचय दे रहे हो कपड़ा का परिचय दे रहे हो, जैसे कपड़ा है पुराना होने पर छोड़ करके फिर नया कपड़ा धारण करते हैं, इसलिए हम शरीर नहीं हम कौन है आत्मा, नैनम छिंदती अस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैन क्लदयंत अपन सोचयति मार्ग, बस शुरू हो गया है
न जायते न मृियते अजो नित्य शाश्वत बास। ऐसे ही प्रभुपाद का जो भक्त लोग ऐसे ही हरि कथा बोलते थे, हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, भगवान को भूलने का वजह संसार में अभ्यास शुरू हो गया हरि कथा। ऐसे ही प्रभुपाद ने क्या किया, उन्होंने अपना ब्रह्मचारी सन्यासी को उन्होंने घर घर में उन्होंने भेजे, घर घर में भेज करके सर्वत्र महाप्रभुओं का वाणी को जगत में प्रचार और प्रसार किया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इरसर मर्म जाने कौन महाभाग्य, कहते क्यों कमलापति का भक्त, कमलापति का भक्त हो करके ये दरवाजा दरवाजा में भिक्षा क्यों मांगते हैं, कहते रहस्य को कोई सौभाग्यवान व्यक्ति जान सकते हैं। क्यों, जब घर घर में जाएंगे कुछ वस्तु उनको लाएंगे, गुरु वैष्णव का सेवा ठाकुर का सेवा में लगेगा, फिर सुकृति बनेगी, फिर सुकृति बनेगा तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे भक्ति जगत में बढ़ सकते हैं। इसलिए नियम है हमारी जो कमाई करते हैं ना उसका कुछ परसेंट वस्तु क्या करनी चाहिए, उसको एक चौथाई ठाकुर का सेवा भगवान की सेवा। प्रभुपाद का समय में ये नियम था, प्रभुपाद क्या करते थे, प्रभुपाद बोलते थे देखो प्रभुपाद हरि कथा सुनाने के लिए कैसे किया है, बोले देखो शिष्यों को बोले तुम लोग नौकरी के लिए जाओगे ना, बोले हाँ, बोले सवेरे आना यहीं पर कथा सुनना, कथा सुनने के बाद मठ में अन्न डाल रसा जो कुछ बनेगा भोजन करना, यहीं से जाना नौकरी करने के लिए, सवेरे एक घंटा कथा सुनेगा, जब कथा तुम्हारा जो ऑफिस का काम खत्म होगा फिर मंदिर में आना, मंदिर में आकर के यहाँ कथा सुनना, और कथा सुनने के बाद ना एक बड़े बड़े मालपुआ बनता था प्रभुपाद के समय में, जब कथा सुनकर जाते थे उनके हाथ में एक एक मालपुआ देते थे हाँ प्रभुपाद का समय पर। जो व्यक्ति सवेरे कथा सुनेगा फिर शाम को प्रभुपाद की कथा ब्रजवती कथा सुनेगा वो बदलेगा नहीं, वो जरूर बदलेगा है। इसलिए क्या करते थे, जो प्रभुपाद का जितने शिष्य लोग थे जो पैसा कमाते थे ना सारे पैसा जितना सबके सब सारे पैसा आकर प्रभुपाद का हाथ में दे देते थे, गुरु जी का हाथ में दे देते थे, जब गुरु जी का हाथ में दिया प्रभुपाद उसको ले लेते थे, ले करके उससे थोड़ी पैसा निकाल लेते थे, निकाल करके दो बार प्रभुपाद उसको वापस ले लो, उसको लो क्योंकि संसारी है ना गृहस्थ है उसको संसार कैसे चलेगा, इसलिए थोड़ी सी ठाकुर के लिए निकाल दिया और सब पैसा को प्रभुपाद वापस देते थे, क्योंकि उनका घर में भी ठाकुर का सेवा पूजा भगवान की भक्ति है प्रभुपाद देते। ऐसे ही प्रभुपाद का समय पर ऐसे उन्होंने हरि कथा लोग सुने हैं, हरि कथा सुने, क्योंकि हरि कथा सुनेगा तब तो कोई भक्ति करेगा ना, बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिनो सुलभ ना सो, इसलिए हरि कथा सुनाने के लिए ऐसे करते थे। इसलिए जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे ना, जिसकी कथा सुनेंगे हमारी उसके प्रति हमारी रुचि होगी, इसलिए विश्वक्सेन कथा सुचो न उत्पादयते यदि रति श्रमय वही केवलम। इसलिए अगर हम सब कुछ करते हैं उसका अगर भगवान की कथा में तुम्हारी रुचि नहीं हो कथा सब बेकार है, सब तुम्हारी बेकार। इसलिए कथा सुनने पर तब भी जीव को भगवत भक्ति करने की प्रवृत्ति तभी जगती है, नहीं तो हृदय में नहीं जगती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये रस का जो महत्व है, क्यों कमलापति की भक्त होकर के नारायण का भक्त घर घर में क्यों भिक्षा मांगने जाते हैं, कारण क्या है, बोले कारण है कहते इसका मर्म कोई महाभाग्यवान ही समझते हैं। क्यों ये लोग घर घर में भिक्षा के लिए जाते हैं, हैं? उनका कैसे जीव का कल्याण कैसे करते हैं, इसलिए कहते दस घरे मागिया तंडुल विप्र पाए लक्ष्मीपति गौर चंद्र ताहा काड़ी खाए। देखो इसमें प्रभुपाद बहुत अच्छी बात कहते हैं, कहते शुक्लांबर ब्रह्मचारी क्या करते थे, दस घरे मागिया तंडुल विप्र पाए, अलग अलग घर में दस घर में जाते थे, कोई थोड़े 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 चावल देते थे, भिक्षा देते थे, भिक्षा जब लाते थे महाप्रभु क्या करते हैं लक्ष्मीपति गौरव चंद्र तहा कारी खाए, कहा दस दस घर में भ्रमण करके थोड़ा सा भिक्षा ले, फिर महाप्रभु क्या करते हैं, हैं? कहते महाप्रभु उसको जोर जबरदस्ती निकाल निकाल खाते हैं। बोले इसका क्या तात्पर्य है, ये कहा भिक्षा करके लाते हैं और ये क्या कर रहे हैं महाप्रभु से जोर जबरदस्ती जोर करके खाते। तो प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं बोले शुक्लांबर भिक्षा द्रव्य ग्रहण द्वारा भिक्षु धर्म आह्वान कर ले, यहाँ पर शिक्षा देते हैं भक्तों क्या करनी चाहिए, भिक्षा धर्म। चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान है ना, स्वयं लक्ष्मीपति है,
फिर उनको क्यों फिर घर घर में जाकर के महाप्रभु फिर माधुगिरी क्यों करते थे? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर राजा घर के लड़के, पर इनको पास में किया, ये नहीं कर सकते थे। घर में घर से पैसा ले आए घर से और ला करके बैंक में जमा कर दिया और बैंक में जो इंटरेस्ट आए उससे थोड़ा खाते रघुनाथ दास गोस्वामी पिता जैसे भेज दिया। कहते नहीं, ये धर्म नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, यहाँ प्रभुपाद शिक्षा देते हैं, भक्ष्य द्रव्य ग्रहण द्वारा भिक्षु धर्म आह्वान कर ले। इसलिए महाप्रभु शिक्षा देते भिक्षा करने जाना चाहिए, हैं, रोज भिक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी सन्यासियों को जाकर के भिक्षा करनी चाहिए। अरे भिक्षा द्रव्य लाने पर महाप्रभु क्या करते हैं? उसको जोर जबरदस्त निकाल निकाल कर खाते, उसको निकाल कर खाते। इसलिए मथुरा में हैं हम लोग क्या करते थे, घर घर में जाते थे, इतने इतने चून, इतना चून, कोई कोई आलू कोई थाला में सजा सजा कर देते थे, हैं, उसको लाते थे। इसलिए श्री चैतन्य आश्रित गण चांडले ने ये तीन ही दरिन त्रिदंडी भिक्षु गणेर एकमात्र सभ्य। हाँ, इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त लोग वो क्या समझे, कहते भिक्षा क्या द्रव्य जब लाते ही हैं, क्या लाते फिर क्या होता है उसमें लाने पर, कहते हैं त्रिदंड एकमात्र सभ्य, कहते जो महाप्रभु, जो महाप्रभु किसका सभ्य, त्रिदंडी भिक्षु को जो सभ्य भगवान है, एरा निज इंद्रिय तृप्ति जन्य कौन माधुकरी करे ना। कहते जो भक्त लोग घर घर में जाते हैं किस लिए जाते हैं, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए जाते हैं। इसलिए कृष्ण सेवा करे जावत निर्वाह मात्र करे चैतन्य मठ दिव्य ज्ञान लब्ध भक्तरा शुक्लाम्बरे आदर्श ग्रहण करे भक्त द्रव कारिया खान बोले तहरा गौर हरि अपहरण कार्य सहायता करते समर्थन सर्वस्व प्रभु सेवाए नियुक्त करे मठवासी देर कर्तव्य यही वृत्ति प्रेम शब्द वाच्य मठवासी परम सुचतुर रसज्ञ महाभागवत सकल कथा बुझते पारिया सकल कार्य छड़े प्रति गृह गृह नाम प्रेम द्वारा प्रचार कार्य भाग्यमत गृहस्थ गण सेवा करते सर्वदा उद्ग्री। तब यहाँ प्रभुपाद कहते हैं नियम है भिक्षा द्रव्य के द्वारा ही कहते भक्त लोगों को अपना जीविका निर्वाह करनी चाहिए। और क्या करनी चाहिए, कहते घर घर में जा करके हैं, कहते प्रति गृह में जा करके नाम प्रेम प्रचार कार्य द्वारा भाग्यवंत गृहस्थ रे सेवा करते सर्वदा उद्ग्रीव। कहते ब्रह्मचारी सन्यासी क्या कर्तव्य है, घर घर में जा करके हैं महाप्रभु का प्रेम धर्म को प्रचार करने चाहिए और सभी की सेवा के लिए हमें उद्ग्रीवी रहनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु क्या किया, भिक्षा का वस्तु को कहते जब घर घर से थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े वस्तु लाते हैं ना, उसमें क्या होता है, कहते किसी गृहस्थ को भी कष्ट नहीं होता है, किसी गृहस्थ को कष्ट नहीं होता, और वो जो वस्तु निर्गुण होता है, हाँ वो वस्तु निर्गुण होता है, वो वस्तु में गृहस्थ का भी कोई कष्ट नहीं होता है और भक्त लोग जब ले करके आते हैं उसमें किसकी आसक्ति भी नहीं होती है। और वो क्या होता है, ठाकुर को सेवा में लगाने पर महाप्रभु क्या करते हैं, उसको जोर जबरदस्ती महाप्रभु ले लेकर के उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए कहते सकल दास तथ्य तथा स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चिता सर्वे विधि निषेधा सुरतव रेव किंकर। इसलिए कहते क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य है, साधकों का कर्तव्य क्या और अकर्तव्य क्या है, बोले स्मर्तव्य सततम विष्णु, केवल एक ही कर्तव्य, क्या कर्तव्य है, हर समय भगवान की याद करो, यही केवल एक कर्तव्य। क्या नहीं करनी चाहिए, कहते कभी भी उनको भूल मत। इसलिए बोले जन तेन प्रकार कृष्ण मने निवेशित, किसी तरह से ये मन को भगवान की सेवा में लगा करके रखो, किसी तरह से हैं जो कुछ करे भगवान गुरु वैष्णव के लिए करे, हर काम में हमें ये याद रहनी चाहिए हम जो कुछ करते हैं भगवान के लिए ही सब कुछ करते हैं। इसलिए देखी मूर्ख दरिद्रजे वैष्णवरे हासे तार बीत पूजा कभो कृष्ण नाही वासे। यहाँ कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति वैष्णव लोग दीन ही रहते रहते हैं, घर घर में भिक्षा मांग कर किसी तरह से ला करके भगवान की सेवा में लगा ग्रहण करते हैं, अगर यह चीज को देख करके हैं महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान जहा देखी तुष्ट हन
गौर नारायण। इसलिए महाप्रभु का भक्त लोग बड़े दीनहीन रहते हैं, बड़े दीनहीन रूप में रहते हैं। अगर यह चीज को देख करके अगर कोई हंसी उड़ाते, देखो कोई काम धाम नहीं घर घर में, क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, अरे भगवान की भक्ति करके देखो इनका क्या दरिद्र अवस्था। कहते अगर ये चीज को देख करके अगर कोई हंसी उड़ाते हैं, बोले तार पीतो पूजा करो कृष्ण नायबा से, भगवान कभी भी ऐसे व्यक्तियों का जो पूजा और इनका जो पैसा है कभू नहीं बासे। अगर कोई व्यक्ति अगर ये सोचे अरे इनके पास में कुछ है ही नहीं ना खाने के लिए पहनने, अरे हम दे रहे हैं तभी तो ये खा पी रहे हैं, अगर हम नहीं देते इनको खाना पीना कहाँ से मिलता, हम दिया है ना तभी तो हुआ है, हैं? इसलिए कभी कभी इनके अंदर में कभी कभी अभिमान आता है हम देने पर, तभी इनको खाना पीना तभी चल रहा है। इसलिए कहते अगर इसको अंदर में ऐसे कोई हो तो कहते कृष्ण कृष्ण ना कभू नहीं वासे, कहते कृष्ण कभी भी उनको पर में कृपा नहीं करते हैं। इसलिए अकिंचन प्राण कृष्ण सर्व वेद गाए साक्षात गौरांगी तहाते तहाते तहवे दिखाए, बोले अकिंचन प्राण कृष्ण सर्व वेद गाए, कहते सारे वेद में एक ही बात कहते हैं, क्या है, कहते नमो अकिंचन बिताय, कृष्ण किसकी संपत्ति है, बोले अकिंचन बिताय। अकिंचन मतलब क्या है, साधारण रूप में क्या दिखता है इनके पास में, जो जड़ जगत का वस्तु इनके पास में है नहीं, लेकिन अकिंचन का जो वास्तव अर्थ है, जो कृष्ण धन में जो धनी है, कृष्ण प्रेम धन में जो धनी है, इसलिए अकिंचन, इसलिए कुंती कहती है नमो अकिंचन बिताय, एक श्याम सुंदर हे कृष्ण तुम किसका संपत्ति हो, बोले जिसको जिसने जिसको पास में ये दुनिया की वस्तु कुछ है ही नहीं, लेकिन जिसको ऊपर से में देखो तो संसार का कोई वस्तु नहीं, लेकिन अंदर से देखो तो कृष्ण धन में ये सबसे बड़े धनी है। साक्षात गौरांग के तहते दिखाए, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में दिखा रहे हैं, क्यों महाप्रभु कहाँ अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, सारा दुनिया का मालिक, और करते हैं क्या, कैसे अपना जीविका निर्वाह कर रहे हैं, गभीरा में रहते थे, गए ना गभीरा में, इतना छोटा सा घर में है, इतने छोटी सी, अभी तो उसको मंदिर जैसे बन गया, उस समय तो साधारण रूप में छोटा सा किसी घर, इतना बड़ा जगह, फिर महाप्रभु का शरीर कितना बड़ा था, कितने लंबे चौड़े महाप्रभु थे, हैं? उसी घर में महाप्रभु उसी घर में रहते थे, रह करके भिक्षा को द्वारा अपना जीविका निर्वाह करते थे, जो लक्ष्मीपति वो जाकर किसी घर में जाकर के माधुकर लेकर के अपना जीविका निर्वाह करते थे। इसलिए यह कहते साक्षात गौरांग दिखाए स्वयं चैतन्य महाप्रभु, बोले साधु पावा बड़ा कृष्ण कष्ट, जीवेरे जानिया साधु गुरु रूपे कृष्ण आइला नदिया, बोले कलयुग में साधु पाना बड़ा कठिन है, साधु पाना बड़ा कठिन है, इसलिए कृष्ण स्वयं साधु का एक रूप धारण करते हुए उन्हें आदर्श रूप में आए, और साधु का रहन सहन खान पान कैसे होनी चाहिए महाप्रभु एक आदर्श रूप में उन्होंने जगत में दिखा करके गए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, इसलिए यहाँ वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कहते अगर ये सब कथा कोई श्रवण करेगा तो कहते इसका फल क्या है, इसका क्या फल है, कहते इसका फल है ये अगर कथा को कोई श्रवण करे तो कहते भगवान चैतन्य महाप्रभु का चरण में उनका प्रेम भक्ति प्राप्ति होगा। इसलिए कहते निरंतर पाठ फले कुबुद्धि जाय वे चले कृष्ण प्रेम में लभी वे प्रमोद, कहते ये चैतन्य भागवत है उसको पहले वर्णन किया ना, अगर हर समय अगर ये चैतन्य भागवत को कोई पढ़े, कहते निरंतर पाठ फले, अगर ये चैतन्य भागवत को कोई पढ़ते रहे ना, बोले कुबुद्धि जाय वे चले, उसका जो कुबुद्धि है वो सारी कुबुद्धि खत्म हो जाएगी, और कृष्ण प्रेम लभी वे प्रमोद, कृष्ण प्रेम में ही हर समय वो व्यक्ति डूबा रहेगा। इसलिए चैतन्य भागवत, इसलिए अक्सर करके हमारे जो गौड़ीय मठ में ना ये चैतन्य भागवत कथा होती है, क्योंकि चैतन्य भागवत में इतने प्रेम की कथा, हाँ कैसे भक्त लोग महाप्रभु को प्रेम करते थे, और महाप्रभु कैसे अपना भक्तों को प्रेम करते थे, कृष्ण कैसे भक्तों को प्यार करते थे, भक्त लोगों ने कैसे प्रेम को द्वारा कैसे भगवान को प्राप्त किया, देखो इसमें यही यही बात आई है, कैसे कैसे महाप्रभु कैसे भक्त लोग, इसलिए कहते अगर ये चैतन्य भागवत को हर समय कोई पढ़ते रहे तो क्या होगा, उसको कृष्ण
प्रेम की प्राप्त होगा। अभी ये सप्तदश अध्याय आ रहे हैं, इसमें ये आ रहे हैं महाप्रभु अभी गुढ़ रूप में अपना भक्त लोगों को लेकर के नवद्वीप क्या करते हैं, हरि कीर्तन महाप्रभु करते हैं। लेकिन महाप्रभु देखने में कैसे लगते थे, यहाँ पर वर्णना करते जब लोग देखते हैं साक्षात मदन, जैसे साक्षात महाप्रभु कामदेव जैसे कोटि बहु कोटि चंद्र जिनी बदन उज्ज्वल महाप्रभु को। और कहते जो बड़े बड़े पंडित लोग होते थे हैं, महाप्रभु ने क्या किया, बड़े बड़े जो भट्टाचार्य सठाचार्य है कहते इनको हैं, कहते इनका प्रति तो जानते ना महाप्रभु ने कैसे कश्मीर को परास्त किया है, इतने बड़े विद्वान को परास्त किया। इसलिए महाप्रभु की विद्वता को देख करके तो बड़े बड़े पंडित लोग दूर सब जब देखते थे महाप्रभु इसी गली में आ रहे, अगर देख लिया दूर से ना अपना रास्ता काट लेते थे, बोले क्यों, बोले वो ऐसे प्रश्न करके हम उत्तर ही नहीं दे सकते हैं, उत्तर ही नहीं, डर जाते थे। इसलिए महाप्रभु को हैं, महाप्रभु किसको प्रति भ्रुक्षेप नहीं, महाप्रभु हैं। और इसको देख करके लेकिन जो महाप्रभु श्रीवास अंगन में जब भक्त लोगों को लेकर कीर्तन करते थे, अभक्तों को अंदर में प्रवेश करने नहीं देते थे, इसलिए कहते ना अपना भजन कथा ना कही वे जता तथा नियम है, अपना भक्ति का बात में भी जहां तक नहीं बोलनी चाहिए। जैसे कोई अगर हमने बढ़िया स्वप्न देखा ठाकुर जी की, अगर सबको बोलने लग गए हमने ये स्वप्न देखा, ये अगर किसी भक्तों को बोलोगे ना हमारी भक्ति को बढ़ाएंगे नहीं, बहुत अच्छा स्वप्न देखा भैया, ऐसे स्वप्न तो किसी भाग्यवान को था, फिर उसके अंदर भावना आई, अगर जैसे तैसे व्यक्ति अरे ऐसे स्वप्न, अरे स्वप्न कोई सच होता है, हैं वो स्वप्न सब झूठ होता है, देख लिया तो बस तुम्हारी जो भक्ति बढ़ने का भक्ति घट जाएगी। इसलिए अपना अनुभूति, अपना भजन की अनुभूति, अपना स्वप्न, अपना भजन की बात जहां तहां नहीं बोलनी चाहिए, इसलिए नियम है। इसलिए कीर्तन जब महाप्रभु भक्त लोग कीर्तन करते थे प्रेम में हैं, कोई गिरता था, कोई रोता था, कोई लोटपोट गाता था, जैसे श्री देवानंद पंडित श्रीवास कृष्ण की सुंदरता को सुन करके वो लोटपोट खाने लग गए, तो उनको चेला लोगों ने क्या किया, बोले कहाँ से एक उपद्रव आ गया, उत्पात आ गया, पकड़ कर हम वहां से निकाल दिया। अगर इसलिए महाप्रभु क्या करते थे, सबको सामने अगर महाप्रभु का कोई अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो ना, महाप्रभु का क्या करते, जब देखते थे ये बहिर्मुख लोग है, महाप्रभु झट उसका संवरण कर देते थे, झट उसका संवरण कर लेते थे सबको सामने। इसलिए ये नियम नहीं है कृष्ण प्रेम में सबको सामने रोने लग जाए, हैं कोई कोई होता है ना पाठक होते सबको सामने अरे कृष्णा हरे बस गिर पड़े और कभी कभी ऐसे आंसू बहाएंगे, ऐसे आंसू लोग बोले बाबा रे ये तो महाभागवत और कृष्ण बोलते बेहोश हैं, जैसे हरिदास ठाकुर और तो कृष्ण महाप्रभु का जब कृष्ण कालिया दमन की लीला सुनकर हरिदास ठाकुर तो नृत्य कर रहे थे लोगों का चरण, लेकिन एक ढोंगी विपरण क्या किया, बोले ये सब मूर्ख लोग हैं, अगर लगता है मैं भी अगर ऐसे कृष्ण कृष्ण करते करते गिरी पड़ा ना लोग मेरे भी चरण धुल लेंगे, फिर क्या किया साबुड़ा ने उठाया डंडा और ऐसे मारे ना, अब बाप बाप करके वहां से भागे बाप बाप करते हुए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए अपना भक्ति का बात जहां तक नहीं बोलनी चाहिए। अगर प्रेम है, अगर कोई भक्ति में जो उन्नत नहीं, अगर उनको सामने अगर हम भाव भाव दिखाए वो भी ठीक नहीं है अभक्तों के सामने। इसलिए भक्तों के सामने भी कभी कभी ऐसे नहीं सबको दिखाने के लिए हैं, अकेला जब कीर्तन करेंगे तो आंख में आंसू नहीं आएगा, अकेले जब पाठ करेंगे आंसू नहीं आएगा, जब हरिनाम करेंगे लेकिन जब देखेंगे ज्यादा लोग बैठे हुए ना बस ऐसे रोएंगे, ऐसे आंसू ही बंद नहीं हो रहा, आंसू ही बंद नहीं हो रहा है, ये गड़बड़ी है, हैं। इसलिए भक्तिवरण ठाकुर ने क्या बताए, क्या कांदी वो गोपने स्मरी दुहो कृपा लव, क्या उसका पहले बोला कांदी वो गोपने स्मरी दुहो कृपा लव। इसलिए भक्तिवरण ठाकुर कहते प्रभु हे प्रभु कब हवे बोला से दिन हमार, कब हमारे ऐसे दिन होएगा जब तुम्हारे यहाँ, हाँ कब हवे हने दशा मर,
इसलिए कब ऐसे हमारी दशा होगा जब तुम्हारी नाम लूंगा, क्या होगा? कांदीव गोपनी, हम उसको छुप करके रहेंगे। स्मरी दुहो कृपा लव, दोनों की कृपा को स्मरण करते करते हम अझोर नयन से रोएंगे। कहां पर? सबको सामने? बोले नहीं, गोपने गोपने रोएंगे, हैं? सबको दिखाने के लिए नहीं। दिखाएंगे तो किसको दिखाएंगे? ठाकुर जी को दिखाएंगे, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। इसलिए महाप्रभु क्या करते थे, अपना भक्त लोगों को लेकर के कीर्तन करते थे, ये पाखंडियों को अंदर में प्रवेश नहीं करने देते थे। इसलिए ये जो पाखंडी लोग है ना, गाली गलौज करते थे, हैं? एक समय तक ब्राह्मण ने बोले मेरे को कीर्तन में प्रवेश नहीं देंगे, उन्होंने तो अपना जनेऊ लेकर के तोड़ दिए और महाप्रभु का अभिशाप दिया, तुम्हारी संसार नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी संसार धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसे महाप्रभु का अभिशाप दे दिया। महाप्रभु तो प्रसन्न हो गए, बोले भैया हम जितने साधन भजन कर रहे हैं किसके लिए? ये संसार बंधन को नष्ट करने के लिए। अगर इनके अभिशाप से अगर संसार बंधन नष्ट हो गया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? हम तो भजन साधन इसीलिए कर रहे हैं ना, संसार का माया की बंधन हमारी नष्ट हो जाए, है घर द्वार संसार छूट जाए। छूट कर क्या करे, भगवान की भक्ति कर। अगर अभिशाप से हो गया तो ये तो बढ़िया बात है। इसलिए कभी कभी लोग अभिशाप भी देते थे। एक समय क्या हुआ, कुछ पाषंडी लोगों ने आए और श्री महाप्रभु को बोले, बोले देखो हम तुमको अपना सुहृदय ज्ञान में बोल रहे हैं, अपना प्रेम से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? बोले राज आज्ञा हुई है। बोले क्या हुई है? बोले जितने लोग सब कीर्तन कर रहे ना, हैं, ये सबको पकड़ करके जेल जाएंगे, सबके सब सब जेल जाएंगे, जो हरी हरी कर रहे हो मृदंग करताल लेकर के, सबको जेल जाना पड़ेगा, राज आज्ञा हुई है, इसलिए सुरीति ज्ञान में बोल दिया है। लेकिन उन लोगों ने अपना षडयंत्र करके, हैं, षडयंत्र करके ये सब महाप्रभु की बात जो बोले, देखो महाप्रभु क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात होता है। बोले मोरे जे मोरे खोजे है न जना कोथा ना पाई, जेबा जन मोरे खोजे मोई तहा पाऊं। कहते महाप्रभु जो बोले राज है आज्ञा हुई है, अगर पकड़ कर ले जाएंगे तुमको राजा, महाप्रभु कहते मोरे खोजे है न जन कोथा ना पाऊं। भैया दुनिया में मेरे को ढूंढने वाले लोग बड़ा दुर्बल है, बड़े दुर्लभ, कृष्ण को ढूंढने वाले लोग जगत में कोई है? जगत में कोई है? इसलिए सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा कोटि सोपी महामुने, कर्ण कर्ण में कोई एक विरल है, जो कि रजब ही समसंग कहता पाती वही रिह जंत, कहते ना। इसलिए कहते बड़े जो सौभाग्यवान व्यक्ति है कोटि सोपी महामुने, इसमें करोड़ों करोड़ में कोई एक विरल व्यक्ति होते हैं जो कि मेरे ढूंढने वाले होते हैं। लेकिन मेरे को जो ढूंढते हैं ना, जेबा जन्म मोरे खोजे मुई तारे पाऊं, हैं? इसलिए मेरे को जो ढूंढते हैं, इसलिए मैं ही उसको प्राप्त होता हूं। भैया ऐसे व्यक्ति को अगर मेरे को पकड़ कर ले जाएंगे, भैया ये तो बड़े ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है, हैं? ये तो मैं यही चाहता हूँ, मेरे को ढूंढे कोई जगत में, कोई तो मेरे को ढूंढता नहीं जगत में। रुपया धन दौलत पुत्र परिवार यही चीज को लोग ढूंढते हैं, मेरे को तो ढूंढते नहीं। अच्छी बात है, जो ढूंढेगा मेरे को तो प्राप्त करेगा ही, हैं? इसलिए ऐसे जब बोले महाप्रभु, भ्रमण करने के लिए गए थे, भ्रमण करके महाप्रभु जब आए तो महाप्रभु ने बोले आज लगता है किसी पाषंडी जो पाखंडियों के साथ में हमारी संभाषण हुई, किसी दुष्ट व्यक्तियों के साथ में शायद हमारी कोई संभाषण हुई है। इसलिए महाप्रभु ने बोले देखो एक काम करो, हैं? इसलिए लगता है किसके चरण में अपराध हो गया, इसलिए मेरे अंदर में लगता है क्या है, मेरे हृदय में कहीं आनंद नहीं आ रहा है, मेरे हृदय में आनंद नहीं आ रहा है, किसी पाषंडी पाखंडी के साथ में हमारे संभाषण होगा, इसलिए आज मन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नहीं तो कोई अपराध हो गया। कहते भैया पाखंडी कौन है, पाखंडी कौन है, कौन है पाखंडी? बोला कोई कोई है, कोई पाखंडी कौन है, हाँ? कौन पाखंडी है? हाँ क्या बोला? इसलिए कहते हैं रुद्र
ब्रह्मादि शिवादि समत्वेन व विक्षत सपाषंडी भवेत धर्म। कुछ लोग याद है, इसलिए वहां पर कहते पाखंडी कौन है, जस्तु नारायण देवम। क्या श्लोक याद है किसको? यहाँ पर पूरा श्लोक नहीं दिया है, इसलिए समत्वेन व विक्षत सपाषंडी भवेत ध्रुवम। अगर कोई व्यक्ति कहता है, देखो क्या कहते हैं, अगर भगवान को साथ में ब्रह्मा शंकर जी को भी कोई अगर बराबर कर दे, अरे जो ब्रह्मा वही शंकर वही विष्णु है, हैं? अगर कोई ऐसे व्यक्ति बोलता है, बोले नहीं, इसलिए भगवान को साथ में भगवान असमर्थ तत्व है। भगवान असमर्थ, असमर्थ मतलब क्या है, उनकी बड़े की बात छोड़ दो, भगवान के बराबर भी जगत में कोई है नहीं, इसलिए वो असमर्थ। न तत् समस्या भी अधिकस्य दृश्यते, जगत में भगवान से कोई जगत में बड़े नहीं। इसलिए अगर कोई भगवान को साथ में ब्रह्मा शंकर जी को भी कोई अगर बराबर कर दे, कथ से पाखंडी भवेत ध्रुवम, कथ निश्चित रूप में व्यक्ति पाखंडी है, ये बताए। हाँ, कहते अवैष्णवस्तु जोह विप्रास पाषंडी परिकीर्तित। कहते अगर कोई ब्राह्मण है, हाँ ब्राह्मण है, लेकिन वो वैष्णव नहीं है। ब्राह्मण है या यदि अवैष्णव है, तार आलाप है, पुण्य जायका है। अगर कोई ब्राह्मण बन करके है, अगर कोई वैष्णव नहीं होता है, कहते भैया उसका आलाप में भी तुम्हारी सारे पुण्य खत्म हो जाएगी। इसलिए कहते ब्राह्मण मात्र से ही वैष्णव होनी चाहिए। इसलिए कहते अवैष्णवस्तु जब भी प्रास पाखंडी परिकृति, तो उसको पाखंडी कहते हैं जो ब्राह्मण होकर अवैष्णव। और पाखंडी कौन है, कहते यहाँ पर है, कहते यहाँ पर शंकर जी के जितने भक्तों को अभिशाप दिया, किसने? भृगु ऋषि ने शंकर जी के जितने भक्तों को उन्होंने अभिशाप दिया है। क्या अभिशाप दिया है, कोई श्लोक याद है? कहते भव प्रता धरा जे च तान समान व्रता पाखंडी नस्त भवत शस्त्रास्त्र परिपथिन। इसलिए शंकर जी के सारे भक्तों को अभिशाप देते हैं, हैं? भृगु ऋषि क्या है, बोले भव व्रता धरा जे च, कहते जो व्यक्ति शंकर जी का व्रत को धारण करने वाले होंगे, हैं? भव व्रता धरा जे चान समान व्रता पाखंडी नस्त भवंतु शस्त्रास्त्र परिपथिन। इस पाखंडी और शास्त्र से विमुख होंगे, कौन? बोले शंकर जी को जो भोजन पर भजन करने वाले, पूजा करने वाले। तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, बोले भैया कहते शंकर जी की कृपा के बगैर तो भक्ति नहीं मिलती है, हैं? कल हम सुन रहे थे ना, शंकर जी बोले आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चन। इसलिए भगवान विष्णु से भी श्रेष्ठ आराधना है उनको भक्तों का सेवा। और शंकर जी वैष्णव नाम यथासंभव, वैष्णव में अग्रगण्य शंकर जी, इन कृपा का भक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए कहते शंकर जी की दो रूप है, कहते उनको जो सदा से भी स्वरूप है, ये सदा से भी स्वरूप का अगर कोई उपासना करे तो शंकर जी उनको भगवान का भक्ति, उनका भगवत प्रेम प्रदान करते हैं। लेकिन अगर उनके सदा से भी स्वरूप को उपासना नहीं करके अगर उनका रुद्र स्वरूप को जो उपासना करते हैं, कहते भैया इस शंकर जी का गुण तो आएगा ही, उसके अंदर शंकर जी का गुण आएगा। इसलिए अक्सर करके उनको रुद्र स्वरूप को जो उपासना करने वाले व्यक्ति, आप देखना जैसे रावण है, हैं? सीता जी को उठा कर ले गया, विकास शुरू है, शंकर जी वरदान दिए जिसको सर में हाथ रखोगे वो जल कर राख हो जाएगा, शंकर का पीछा भगे। इसलिए काशी राजा है, शंकर जी को उपासना करके बोले वरदान तो भगवान के साथ में युद्ध करना चाहता हूँ। इसलिए अक्सर करके दिखाई पड़ता है शंकर जी के भक्त जितने हैं सब तामस के कारण है। अब जिनको उपासना करोगे उसका गुण तुम्हारे अंदर में आएगा, लेकिन वो रुद्र शंकर जी, ये सदाशिव स्वरूप नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो अघरी लोग है, जो अघरी लोग के लिए ये बात बताई गई है, कहते ये सबके सब पाषंडी है। इसलिए कहते महाप्रभु कहते हैं लगता है आज किसी पाखंडी का स्मरण संभाषण हो गया। देखो यहाँ पर एक शिक्षा देते हैं, जैसे तैसे व्यक्ति का संग नहीं करनी चाहिए। अगर भक्तों के साथ में बैठोगे हरि चर्चा होगा, हरि कथा होगी, और जहाँ हरि कथा हरि चर्चा वहां पर तो आनंद ही आनंद है। आप देखो भगवान की कथा में होता है ना,
ब्रज गोपियां क्या कहती, तब कथा अमृतम, हे श्याम सुंदर तुम्हारे कथा अमृत है, तप्त जीवनम, भगवान की कथा सुनो जो संसार का जो दुख कष्ट है उत्तप्त जीवन शांत हो जाएगा। श्रवण मंगलम, जो कथा सुनेगा जीवन में उसका मंगल मंगल होगा और जीवन में जस स्त्री लक्ष्मी सब कुछ उसको बढ़ेगा, संसार का बंधन नष्ट होगा। लेकिन जब भक्तों का संग में बैठो, वैष्णव संगत मन आनंदित अनुक्षण सदा है कृष्ण पर संग, अब देखो थोड़ी समय सत्संग में बैठो भगवान की कथा सुनो मन प्रसन्न हो जाता है, मन में शांति। अगर दुष्ट व्यक्ति का संगत में बैठ जाओ जो दुनियादारी की बात करेंगे, जहां पर कहीं हरि चर्चा है ही नहीं, हरि कथा है ही नहीं, हैं? अगर ऐसे व्यक्तियों के साथ में बैठ जाओ तो एक घंटा दो घंटा बैठ करके सारा दुनिया के देखना, उसके बाद में आनंद मिलेगा? ऐसे बात करके दुनियादारी उल्टा पुल्टा विषय की बात करके आप जैसे कथा बोलोगे ना तुम्हारी अंदर भावना भी वैसे आ जाएगी, लेकिन जब हम हरि कथा करके कीर्तन करके उठते हैं मन प्रसन्न हो जाता है, मन में शांति मिलती है, हैं? इसलिए महाप्रभु कहते हैं लगता है आज मेरे कोई ये पाखंडी का कोई संग हो गया है, इसलिए आज मेरे को मन में शांति नहीं मिल रहा है। क्या करो, सबके सब हरि कीर्तन करो, हरि कीर्तन करो, हरि नाम करो। हरि नाम कीर्तन से क्या होता है, हरि कथा जितने सारी गंदी चीज खत्म हो जाती है। इसलिए महाप्रभु बोले कहीं नहीं तो अपराध हो गया, नहीं तो कहीं पाखंडी दुष्ट व्यक्तियों का मैं संगत हुआ, इसलिए मेरे मन में शांति नहीं मिलती। शिक्षा देते हैं अगर जीवन में कोई शांति सुख पाना चाहते हैं क्या करो, हैं? क्या करो, मम उत्तम श्लोक जनेसु सख्य, हमारी जो सख्य है हमारी जो प्रीति है किसी भक्तों का ही साथ में हो, जिसको साथ में होने पर हरि कीर्तन हरि कथा हो, जिसमें जीवन आनंद आनंदमय हो। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे
గౌరవ భక్త వృందకి జయ్ గౌరవ ప్రేమానంది।